हेलो एवरीवन, मैं हूँ पायल और होम स्टाइल कुकिंग विद पायल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको और से बहुत ही इजी स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही हेल्दी भी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी कटलेट जो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको घर पर बनाना सिखाऊंगी। ये स्टार्ट करते हैं बनाना। आलू से इजी स्नैक्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। तो मैं एक पतीला ले रही हूँ और एक कसने की हेल्प से हम इस आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। लम्स आप हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं बट लम्स रहने से ये अच्छे से बनता नहीं है, इसलिए हम हाथों से नहीं कद्दू कसने की हेल्प से हम कद्दूकस कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से आलू में कोई भी लम्स ना रहे। इसी तरह से हम सारे आलू अच्छे से कस लेंगे कसने की हेल्प से। अब हमने अपने सारे आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं तो इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च जिसमें मैंने बारीक कट कर लिया है। ये एक बड़ी हरी मिर्च है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने अदरक लिया है, ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप इसका पेस्ट भी बना सके डाल सकते हैं, उसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने लिए है धनिया पत्ती जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, वही मैं इसमें डाल रही हूँ। ये धनिया की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, आधा चम्मच हम डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी गोल मिर्च, ये 1/4 जितना मैंने डाला है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहे तो इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं बट इसमें ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मन करे तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके सारे मसाले आलू में अच्छे से लग जाए। कि हमने अपने आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं तो अब मैं एक प्लेट ले रही हूँ, ये मैंने प्लेट लिया है और इसे हम हल्का तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया और इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और हमने ये जो आलू का पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। इसे हमें अच्छे से फैलाना है, मैं हाथों की हेल्प से अच्छे से फैला लूँगी। बराबर हमें फैलाना है इसको आप ऐसे थोड़ा मोटा ही रखें, ज़्यादा पतला ना करें। ज़्यादा पतला होगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो आप इसका ध्यान रखिए कि इसकी शेप जो है थोड़ा मोटा ही रहे, इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी रहे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसे मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसे सेट कर लिया और इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से इतनी मोटी होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, हम इस पेस्ट को 15 से 20 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं इसे सेट होने के लिए। हमारे आलू सेट होते हैं तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है जो हम दूध कॉम्प्लेक्स खाते हैं, वही कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे, मैंने एक कटोरी जितनी ली है और ये मैंने एक मिक्सर जार लिया है जिसमें मैं ये डाल रही हूँ और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। फिर दरदरा पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे पीस लिया और ये देखिए बिल्कुल दरदरा है, बिल्कुल मैंने पाउडर नहीं किया है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको दरदरा पीसना है और इसे हम साइड में रख देते हैं। अब मैं एक और
बाटी ले रही हूँ और इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। ये मैं 2 और ये 3 चम्मच में डाल रही हूँ और इसमें हम इसका हम घोल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ पानी, ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच डाल के मैं देखती हूँ कि हमें और ज़रूरत है कि नहीं, तो और डालेंगे। मिक्स करके देखते हैं, इसे आप अच्छे से तुरंत मिक्स कर ले क्योंकि कॉर्नफ्लोर क्या होता है बहुत जल्दी थिक हो जाता है, फिर ये मिक्स नहीं होता है। आप इसकी जगह चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकती हैं, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा यूज़ कर ले। और ये देखिए, ये हमारा घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल लिक्विड ही। ये देखिए, अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमारे 20 मिनट हो चुके हैं तो अब मैंने इसे निकाल लिया अपने फेस को और अब हम इसे कट कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, आपको जो पसंद हो। मैं आज स्क्वायर कर रही हूँ, आपको जो भी शेप पसंद आए आप वो बना सकते हैं। इसे इस तरह से हमें कट करना है, ये मैंने कट कर लिया है और इसे हम कुछ इस तरह के एक एक पीसेस निकाल लेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ पीस निकाल के, इस तरह से हमें पीस निकालनी है। और ये देखिए, इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से होनी चाहिए। इसी तरह से मैं सब निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने सब तैयार कर लिए हैं। तो अब इससे हम क्या करेंगे, जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बना के तैयार किया था ये हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि कॉर्नफ्लोर पहले बना के रखने से ये नीचे तप जाता है। तो इसे हम अच्छे से वापस से मिक्स कर लेगा। ये हमने मिक्स कर लिया है और ये हमने जो कॉम्प्लेक्स रखा था जिसका हमने चूरा बनाया था वही है ये। अब हम क्या करेंगे, ये ऐसा एक पीस लेंगे और इसमें मैं हल्का कॉर्नफ्लोर में डिप कर रही हूँ। इसे हमें इस तरह से डिप करना है और जब हम कॉम्प्लेक्स में कुछ इस तरह से डाल देंगे चारों तरफ, आप इसी अच्छे से इसे डालें। और ये देखिए, कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम सब तैयार करेंगे। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, ये हमने कॉर्नफ्लोर में डिप किया है अच्छे से और इसे हम कॉम्प्लेक्स में फिर डाल देंगे और इसके चारों तरफ हम अच्छे से इसे कोटिंग कर देंगे। और ये देखिए, ये हमारा तैयार है। इस तरह से हम सब तैयार कर लेंगे। अब देखिए, हमने अपने सारे स्नैक्स तैयार कर लिए हैं और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए। तो अब इसे चलिए हम फ्राई करेंगे। अब मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और अपनी गैस की फ्लेम को मैं ऑन कर रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। ये देखिए, मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है। अब इसे हम हल्का गर्म होने देते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम अपनी गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम और हमने जो स्नैक्स तैयार करके रखा था वो हम एक एक करके डाल देंगे। और डालने के साथ साथ आप इसे बिल्कुल ना पलटें, इसे 1 मिनट तक ऐसे ही पकने दें, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो मैं ये डाल रही हूँ, ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसे हम 1 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम में पकने देते हैं। ये स्नैक्स आप कभी भी इवनिंग टाइम टी टाइम बना के तैयार कर सकते हैं, ये आपके घर पे मेहमान आए तो आप इसे झटपट बना के तैयार कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे हम इस तरह से ही पकाते रहेंगे 1 मिनट तक। अब हमारे 1 मिनट हो चुके हैं तो हम इसे पलट देते हैं। तो ये मैंने पलट दिया है, इसी तरह से आप सब पलट दें और क्या कि ये दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से पक जाए। ये हमें घुमाना है, ये मैं सब मैंने पलट रही हूँ। इस तरह से आप भी सारे पलटें और इसे दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम में आप इसे पकाएं। ये हमारे 1 मिनट हो चुके हैं तो ये दोनों तरफ अच्छे से पक चुके हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये दोनों तरफ से बराबर पक चुके हैं। ये देखिए, ये हमारा कलर कितना अच्छा लग रहा है। और इसी स्टेज में हम निकाल लेंगे और बाकी अपने सारे स्नैक्स हैं उसको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब देखिए, हमने अपने सारे स्नैक्स तैयार कर लिए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे और सॉफ्ट बने। ये देखिए आवाज़ आ रही है ना आपको इतनी अच्छे से, ये बाहर से इतनी क्रंची बने हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको
बाकी और भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भी बहुत क्रंची बना है और अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। कि हमारे स्नैक्स बिल्कुल परफेक्टली बनके तैयार हो चुके हैं और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए परफेक्टली हमारे बनके तैयार हुए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड एन्जॉय।